हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व गृह मंत्री अनिल विज के बीच विवादों की खबरें गर्म हैं। लेकिन इसी बीच सीएम मनोहर लाल ने विवादों के कयासों को दरकिनार कर दिया। सीएम ने कहा कि कयास लगाने पर कोई टैक्स नहीं लगता। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिल विज से हमारी बातचीत हो गई है, कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के अफसरों के तबादलों को लेकर सरकार में गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच तकरार बढ़ गई थी। विज की मर्जी के बगैर हुए इन तबादलों को लेकर विज ने सीएम को पत्र लिखकर पूछा था कि ऐसा क्यों किया गया। पत्र में रूल्स ऑफ बिजनेस का हवाला देकर अनिल विज ने कहा था कि पुलिस के तबादले से पहले गृह मंत्री होने के नाते उन्हें पूरी जानकारी दी जानी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई। लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मामले का हल हो गया है। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा। मैंने इसका उत्तर दे दिया कि क्यास लगाने पर कोई कीमत नहीं लगती, बुराई भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है, फ्री का मामला है, जितना कोई लगा है कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना है मुख्यमंत्री करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा कहना है कि वो हमारी बातचीत आपस में हो गई है, कोई समस्या नहीं है, मामला हल है। आपको बता दें कि गुरुवार को सीएम की दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात हुई थी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में संगठन मंत्री को लेकर फेरबदल होना है, इसलिए चर्चा के लिए पार्टी के नए राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने उन्हें और प्रदेश के संगठन मंत्री सुरेश भट्ट को बुलाया था। मुख्यमंत्री ने उनके अलावा पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। प्रदेश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों को लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके गृह मंत्री अनिल विज को लेकर भी बातचीत हुई है। विज की ओर से बिना सुझाव लिए आईपीएस के ट्रांसफर किए जाने पर आपत्ति जताई थी और उन्होंने इस लिस्ट को कैंसिल करने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा था। आइए आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के बारे में क्या कह रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उस विषय पर हमारी चर्चा थी। उसमें मुख्यमंत्रियों को सबको कहा गया है कि अपने अपने प्रांतों के साथ दूसरे प्रांतों में जाने का कार्यक्रम है। दूसरा, उन्होंने दिल्ली के चुनाव के बारे में कुछ चर्चा हमको करनी थी, वो हमने की है और वो चर्चा ऐसी है कि वो अभी यहाँ नहीं बताने की, जब कोई बताना होगा तो बताएंगे। वहीं भाजपा के हरियाणा प्रभारी अनिल जैन ने दिल्ली में बयान देते हुए कहा कि मेरी सीएम और गृह मंत्री दोनों से बातचीत हो चुकी है। इस मामले को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, इतना बड़ा मामला नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार चल रही है और सरकार के सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री ही करते रहते हैं। गृह मंत्री के जो कार्य है वह भी कर रहे हैं, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी विषय में दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा। दोनों से हो गई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हो गई और गृह मंत्री जी से भी हो गई है, कोई ऐसी नहीं है। ये कहीं ना कहीं ज्यादा ओवर प्ले हो रहा है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरी दोनों से स्पष्ट बात हो गई। जो मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के उनके नेतृत्व में सरकार है और सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री रहते हैं और हैं, और गृह मंत्री जी को भी उनके जो उनके काम है वो काम कर रहे हैं। इसमें कोई आपस में दोनों में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, कोई मिसकम्युनिकेशन कहीं हुआ होगा किसी को, तो उससे ये भ्रांति निकली है, ऐसा कुछ नहीं। खबरें की जरूरत नहीं, मेरी दोनों से बात, खबरें ये थी कि आपकी ड्यूटी लगाई गई है मैनेज करने के लिए, जो विवाद चल रहा है तो आपने बात, कोई विवाद नहीं है जी, मेरी बात होगी दोनों से। सर आज सीएम साहब भी 3 बजे पीसी कर रहे हैं और अनिल विज भी पीसी कर रहे हैं 3 बजे। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। 3 बजे दोनों पीसी कैसे करेंगे एक साथ? नहीं, अलग अलग जगह कर। तो वो तो कोई बात नहीं, मतलब ये आधिकारिक रूप से आप कह रहे हैं कि जो छोटी मोटी बात थी आपने दोनों से बात करके अब सॉर्ट आउट कर। नहीं नहीं, कोई बात ही ऐसी नहीं थी, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है भाई। जो मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है, मुख्यमंत्री हेड ऑफ द स्टेट है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।